खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना अंग दान करना चाहिए। जो ऑर्गन डोनेशन है वो बहुत ज़रूरी है सबके लिए करना, क्योंकि कितने ही पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं कि ऑर्गन अवेलेबल हों तो उनको देखने को मिल जाए, उनकी ज़िंदगी आगे और मिले। लोगों के हार्ट ख़राब हो गए हैं, किसों की किडनीज ख़राब हैं, तो ये तभी संभव है जब लोग प्लेश करें, लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेश करें। तो मैं सबको यही कहूँगा कि ये गाना अगर आपको असर कर रहा है, आपके दिल में जगह बना रहा है, तो वो इसीलिए बना रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और ऑर्गन डोनेट करने चाहिए। ऑर्गन इंडिया हमारी फैमिली की ही ऑर्गेनाइजेशन है न्यू दिल्ली में, जिसमें हम बहुत से लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप लोग फ्लैश करिए। और जितने लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए फ्लैश करेंगे, इस देश में न जाने कितने लोगों को आराम की ज़िंदगी मिलेगी। लोग जो नहीं देख सकते हैं वो देख सकेंगे आपकी आँखों से, और वो सब चीज़ें आपको अभी नहीं देनी है, वो तो जब आप संसार छोड़ेंगे उसके बाद आपके ऑर्गन काम में आएंगे। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है, मैं मधु जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, ये इतनी अच्छी तरह प्रेजेंट किया है और इन्होंने गाया भी बहुत अच्छा है। स्मिता झा, डॉक्टर स्मिता झा जो इसमें गाना भी गा रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं, बहुत ही अच्छे मैसेज को उन्होंने इसमें सामने लाने की कोशिश की है। वो तो खुद डॉक्टर हैं इसलिए ऐसे ही काम करेंगे जो इसमें दिखाया जा रहा है। अर्चना जौहरी जी को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से इस मैसेज को सामने उतार दिया, बहुत सरल शब्दों में सामने उतार दिया। ये बड़ा मुश्किल काम था कि इसको कैसे लोगों को समझाया जाए, लेकिन इनके सरल शब्दों ने उसको समझा दिया। इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये तो ख़ानदानी लेखिका हैं। इनके हस्बैंड राजेश जौहरी जी कमाल के लिरिक राइटर रहे, एक्टर रहे, तो इनको तो लिखना ही चाहिए अच्छा। घनश्याम वासवानी जी ने बहुत अच्छा संगीत दिया है और मुझे मौका मिला उनके संगीत में यहाँ गाने का, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो सब मिला के ये बहुत ही कमाल का सॉन्ग है, कमाल का सॉन्ग वीडियो है। इसको सब देखें और इसमें जो मैसेज है उसके लिए कुछ करें, कुछ सोचें, जिससे कि न जाने कितने लोगों का इससे भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब सर आपसे जानना चाहूँगा, जो गाना है वो तो सोलफुल है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, हमने देखा बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन वो चीज़ को एग्जीक्यूट करना, लोगों को मतलब वो चीज़ एक्सप्रेस करके दिखाना थ्रू वीडियो, सर कितना इजी, डिफिकल्ट, कितना चैलेंजिंग था सर आपके लिए? चैलेंजिंग तो था, क्योंकि सिर्फ रोमांस दिखाना तो बहुत आसान था, लेकिन उसको किस तरीके से सेक्रीफाइस को जस्टिफाई करना एंड में, वो बहुत चैलेंजिंग था कि वो किस तरीके से आंखें, पूरा प्रोसीजर तो दिखाया नहीं जा सकता था कि आंखें कैसे ट्रांसप्लांट हो रही हैं, और लेकिन उसको छोटे में समझा के जो दिखाना और एंटरटेनमेंट को मेंटेन करते हुए दिखाना, वो एक मुश्किल काम था। शायद मैं कामयाब हुआ उसमें। अर्चना मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरे गाने का, और जो आपने अंदर बताया कि अनूप जी कैसे ऑन बोर्ड आए, उसके बारे में भी अगर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताया। जैसा कि मैंने अंदर बताया है कि पहले मधु जी ने मुझे ये पूरी की पूरी पिक्चर शब्दों से मेरे सामने बयान कर दी कि ऐसा हो रहा है, हीरोइन खड़ी है, वो इस खूबसूरत वादियों को देख रही है, और वो जिन आँखों से देख रही है वो आँखें उसकी नहीं है, उस प्रेमी ने उसको दी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो निसंदेह मेरे लिए बहुत कठिन काम था ये इतना, मतलब इसको शब्दों में उतार पाना और एक गाने का रूप दे पाना। मैंने कहा मधुबाई देखती हूँ मैं, मुझसे होगा, कब होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई और दूसरे ही दिन मतलब मुझे ये लाइनें मिल गई और मैंने मधुबाई को सुना दी कि देख रही हैं जो ये आँखें, किसी का है उपहार
मरकर भी वो रहेगा जिंदा, अमर है उसका प्यार। तो मधु भाई को बहुत पसंद आई और फिर उन्होंने कहा इसको आगे करते हैं, आगे हमने प्रेम गीत बनाया। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है, जो मैंने लिखा, जो म्यूज़िक बना, मधु भाई ने अपने डायरेक्शन से उसमें जो जान भर दी है, किस तरीके से उन्होंने दर्शकों को बिना किसी मेडिकल हेल्प के, बिना ये दिखा दिया कि ये आँखें जो ये हीरोइन के लगी हुई हैं, ये उस गिरते हुए लड़के की हैं। ये जो उन्होंने डायरेक्शन से दिखाया है ना, वो कमाल का है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अनूप जी की बात आपने पूछी, मधु भाई का भी मन था और हम सबका मन था कि इसमें अनूप जी की आवाज़ ही सबसे ज़्यादा सूट करेगी। तो हमने अनूप जी से कहा, फ़ोन किया, हम उनके घर गए और ये उनकी ज़र्रा नवाजी कि उन्होंने सुनते ही कहा कि बिल्कुल गाऊंगा मैं और कब आना है स्टूडियो में। और ना केवल उन्होंने हमें सपोर्ट किया गाना गा के, बल्कि इसको उन्होंने कहा कि हमें वीडियो भी दिया है और हमें ऑर्गन डोनर, मतलब कि जो संस्था है, एनजीओ है, उससे भी मिलवाया और ताकि हमारा मैसेज दूर दूर तक जाए। और अब वो भी हमारे साथ हैं हमारी इस मुहिम में। जी, बहुत शुक्रिया मैम। आपसे जानना चाहूँगा, एक्सप्रेशन के थ्रू आपने बहुत सारी चीज़ें कहने की कोशिश की है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप खुद एक डॉक्टर हैं और जो है एक्टिंग भी करने की आपको, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करना सब तरीके से मेरा एक फ़र्ज़ भी है। लेकिन जहाँ तक एक्टिंग की बात है, उसके थ्रू करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए, लेकिन मुझे काफ़ी सपोर्ट किया मधु सर ने और बाकी की टीम ने भी, और गाने के अल्फाज इतने अच्छे थे कि खुद ब खुद एक्सप्रेशंस आ ही जा रहे थे। इसके लिए मैं सबों का शुक्रिया अदा करूँगी कि मेरे थ्रू दर्शक अगर ये एज अ डॉक्टर भी जान पाए तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। सो थैंक यू वेरी मच। जब बात हुई मधु भाई से और घर पे, वी आर अ फैमिली, इनकी बहन मेरी वाइफ है, तो वी आर ऑल अ म्यूजिकल फैमिली, अक्सर बातें होती रहती हैं, गानों के बारे में होती है। तो उन्होंने ये जब मुझे पंक्तियाँ सुनाई और वो जो सिचुएशन बताई, और उसमें जो अंडरलाइन जो मैसेज था ना उनका, बहुत इंस्पायरिंग था। और इसी बात को अनूप जी ने भी कितनी खूबसूरती से उन्होंने हमें अवगत करवाया, वहाँ आपने देखा होगा। तो ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं कि हम कुछ नहीं तो जीते जी तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मरते मरते कुछ कर जाएं, टू गिव बैक टू द सोसाइटी, टू गिव बैक टू द ह्यूमन रेस। तो बहुत अच्छा लगा। और वो जो लाइनें हैं, इतनी खूबसूरती से इन्होंने वो बातें कही हैं, एंड सो म्यूज़िकल। और सबसे ज़्यादा क्या कि एक बहर है, उसको खूबसूरती से इतना निभाया है उन्होंने, तो कंपोज करने में अपने आप वो बात बन जाती है, बाजे पे हाथ रखते ही बन गया। और बाकी गाने की बात है, एज अ कंपोज़र हमें ये भी देखना होता है, रेंज की बात होती है कि किसको किस रेंज में गवाना है, किसकी आवाज़ कितनी कहाँ तक जाती है, ये सब मद्देनज़र रखते हुए। और जब फिर दोहे की बात आई, जो दो शुरू के दो लाइनें और आखिर में, तो आई थिंक नथिंग बेटर देन अनूप जी। और जो दमदार उनकी आवाज़ है, यू मस्ट हैव सीन द प्रेजेंस दैट वॉइस क्रिएट्स, यू नो, इन द फुल फिल्म, इन द सॉन्ग, इट्स जस्ट कमाल है। और सिंस अनूप जी से मेरी बहुत पुरानी मुलाकात है, नियरली मोर देन 50 ईयर्स, तो मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं चार लाइनों के लिए मैं अनूप जी से कहूँ कि भाई आप आइए गाइए, तो इनकी हेल्प लेनी पड़ी मुझे, क्योंकि अर्चना जी ऑल्सो वेरी क्लोज टू इट, बट अनूप जी बहुत स्वीट थे, उन्होंने विजिटली एग्री किया और उनके शेड्यूल के हिसाब से उन्होंने मुझे टाइम दिया स्टूडियो में। और अपना काम तो वो लाजवाब करते ही हैं, बस चिल्ड्रन हैव डन यू वेरी गुड, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द फुल टीम, एंड थैंक यू एवरीबॉडी। ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। थ्रू आउट मधुमोहन सर बहुत ज़्यादा पेशेंस थे, हम लोगों ने हज़ारों टेक्स दिए और उन्होंने बहुत पेशेंटली हैंडल किया हम लोगों को। प्लस जो सॉन्ग है, आई गेस हमारी जो यंगस्टर्स, जो जनरेशन है, ये सुननी चाहिए, बहुत
ज़्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्मूदनिंग सॉन्ग है, डेफिनेटली सुनना चाहिए, कुछ अलग है ऑफ कोर्स, आजकल के रैप की दुनिया से थोड़ा बेटर है। मैं कहना चाहूँगा एक अलग एक्सपीरियंस था, इससे पहले भी हमने किया था कोई शोला जो कि काफ़ी अच्छा गाना था, उसमें भी हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। इसका एक्सपीरियंस अलग इसलिए भी है क्योंकि इसमें चीज़ें मतलब कि एक कहानी अलग थी, एक मतलब कैरेक्टर अलग था, तो उस कैरेक्टर को जीने में बड़ा काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया। जैसे आपने करेक्टली कहा, इतने सारे लेजेंड और टैलेंटेड लोग इस गाने से जुड़े हैं, तो इट वॉज रियली नाइस मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, इनका फर्स्ट व्यूइंग का हिस्सा बनाया, रियली नाइस। गाना बहुत अच्छा है, इट्स बीन वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, वेरी वेल कंसीव्ड, एंड मैसेज जो है बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी मैसेज है, और एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। आप ज़रूर गाने को मौका दीजिए, बस यही उम्मीद करते हैं। अभी फ़िलहाल तो नहीं, ये इनकी शाम है, इनकी शाम ही बनी रहे। मैं जी गाना देखकर मैं बिल्कुल दंग हूँ कि दो तीन बातें मुझे बहुत बहुत ही दिल को लगीं। एक तो ये सब्जेक्ट जो है इतना खूबसूरत और इतना अच्छा खूबसूरत मैसेज है, जो कि अगर ये मैं दुआ करता हूँ कि ये बहुत हिट हो, दुनिया तक दुनिया से देखे सुने और इस मैसेज को वो अपनाए, तो ये कमाल का म्यूज़िक और कमाल की। मेरे अजीज़ दोस्त घनश्याम वासवानी जी इतने अच्छे कंपोज़र हैं, गज़ल तो मैं हमेशा ही उनकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन ये अलग तरह का एक गीत जो आज उनसे सुना तो वो भी बहुत मेरे लिए सरप्राइज़ था, बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत। और दूसरा सरप्राइज़ जो इसके डायरेक्टर हैं वीडियो के मधु जी, वो इतना अच्छा गाते हैं, मेरे लिए हम बहुत पुरानी पहचान है हमारी, तो मुझे बिल्कुल मैं हैरान हो गया हूँ कि इतना खूबसूरत गाया उन्होंने, इतना अच्छा, और ये गाते हैं, ये भी मेरे लिए सरप्राइज़ है। बाकी सारे सभी लोगों ने पोइट्री इतनी अच्छी लिखी हुई है, मैसेज जो है जो कन्वे करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल हो रहा है, तो उनको सबको पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और उन इस सब के लिए बहुत बहुत दुआएं कि ये बहुत सक्सेस हो, बहुत आगे जाए, ये लोगों तक पहुँचे। थैंक यू। प्यार की दास्तान बहुत ही बढ़िया एल्बम हुआ है, और इसे कंपोज़ किया है हमारे घनश्याम भाई ने, और गाया भी बहुत अच्छा मधु जी ने गाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एल्बम बहुत हिट होगा। ये गाने मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके वीडियो भी बहुत अच्छे बने हैं, उम्मीद करता हूँ इसको बहुत ही सक्सेस मिलेगी। मैं तो यहाँ पे आई थी कुछ लोगों के लिए जो हमारे दोस्त हैं, बड़े हैं, घनश्याम भाई, अनूप भाई, मीनाक्षी मेरे दोस्त हैं, शिवानी, गौरव, लेकिन यहाँ आके इतना सब कुछ मिल जाएगा वो मैंने सोचा नहीं था कि मधु भाई इतना अच्छा गाते हैं, और मैं तो इनको सिर्फ मीनाक्षी के भाई हैं तो इसलिए मैं देखने आई थी, पर मैं मुझे आज पता चला मधु भाई विदाई मेरी बहुत फेवरेट फिल्म थी, मैंने 3-4 बार हॉल पे जाके देखी थी उस टाइम पे, तो इतनी बच्चों की अच्छी एक्टिंग देखने को मिलेगी, एक अच्छी स्टोरी लाइन और एक अच्छा मैसेज। हम लोग काफ़ी देर से सोच रहे हैं बॉडी डोनेट के लिए करने के लिए, तो आई थिंक अब थोड़ा प्रोसेस मैं फास्ट कर दूंगी, अब हिम्मत आ गई, डिटैचमेंट हो गई है बॉडी के साथ इतनी कि मैं कर पाऊँ। थैंक यू अनूप भाई। मैं तो जुड़ ही गया, समझिए इतना बढ़िया काम हुआ है, इतना बढ़िया, मैं किस किस की तारीफ करूँ, किसकी ना तारीफ करूँ, हर चीज़ अपनी जगह पर बहुत बढ़िया, और सबसे बेहतरीन बात है कि गाने के लिए गाना नहीं है, उसमें जो मैसेज है वो तो लाजवाब मैसेज है, और उस मैसेज को आपने कोई
यानी स्लोगन जैसा नहीं है, गाने में है ऐसे आराम आराम से वो बात सामने नज़र आती है कि क्या होना चाहिए। और हर डिपार्टमेंट अपनी जगह बहुत अच्छा है, मैं किसके लिए क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आता। मेरी शुभकामनाएँ हैं और ये 100% ये हिट होने वाली चीज़ है और होगी। मैं सर आपके गाने को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, हर स्कूल में हर जगह पे आपका गाना बजता है, अगर दो लाइनें हमारी ऑडियंस के लिए ये फिल्मों में मतलब अंकुश में मोदी हाँ जी और आज भी उनका आशीर्वाद बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल दूर अज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। गाना बहुत अच्छा बना है, गाना बहुत अच्छा बना है अनूप जी ने और मधु जी ने, बहुत अच्छा गाया है। इवन द फीमेल सिंगर इज़ वेरी गुड, इवन द एक्टर्स आर वेरी गुड, एंड घनश्याम सर ने जो कॉम्पोजिशन की है और गौरव ने जो सब प्रोड्यूस किया है, इट वॉज़ वेरी गुड, सब कुछ एकदम कलेक्टिवली इतना अच्छा आ रहा है, इट्स साउंडिंग वेरी नाइस। मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा और इस गाने के थ्रू जो मैसेज सोसाइटी में देना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट था जो कि एक्सप्लेन किया है, वो बहुत ही खूबसूरत है और मुझे लगता है कि हम सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और इस गाने को जितना ज़्यादा हम पॉपुलर बनाएंगे ये मैसेज उतना ही ज़्यादा कन्वे होगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा घनश्याम सर को, इतनी खूबसूरत कंपोजिशन की है, अर्चना जी ने इतना कमाल का लिखा है, एक्टर्स ने इतना कमाल परफॉर्म किया है और अनूप सर की आवाज़ तो मतलब क्या कहने, चार चांद लगा दिए इस गाने पे और वाकई में ऑनेस्टली दिल को छूने वाला ये गाना है और मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ पूरी टीम और आई विश ऑल द बेस्ट टू द टीम। थैंक यू।